सो आज मैंने बहुत सारा मेकअप करा है क्योंकि बहुत फ्री टाइम है. ऑफकोर्स गाइस सब घर पे बंद है एंड ये आईब्रोज आप मेरे देख सकते जो कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गई है. लाइक मेरे आईब्रोज बहुत बड़े हुए थे, मुझे बहुत पहले ही बनानी थी, होली से पहले, बट मैं नहीं बना पाई. और अब तो सिचुएशन ऐसा है कि वो भी नहीं बन सकता. सो मैंने बनाई है ट्विंकल के फेस रेजर से एंड उस तरीके से आप भी घर पे आईब्रोज बना सकते हो. एंड जितनी भी कुर्तीज मैं आपको दिखाऊंगी सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो गाइस प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ. एंड आप उसके बावजूद बहुत क्वेश्चन करते हो एंड सम टाइम पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सारे क्वेश्चन को आंसर करूँ, कुछ मिस भी हो जाती है. सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें. वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. होप यू डूइंग गुड गाइज. आई होप सब अपने अपने घरों पे सेफ हो. प्लीज अपना ध्यान रखें एंड घर पर ही रहें, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले. बहुत इमरजेंसी हो तो ही निकले. लाइक मैं भी 1 वीक से घर पे बंद हूँ. मैं अपने होम टाउन अपने मम्मी पापा के पास नहीं जा पाई. रीज़न कि जब मैंने सोचा, जब मेरे सारे काम खत्म हो गए एंड जब मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए, देन आई रियलाइज कि फ़्लाइट में अभी ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है. खुदा ना खास्ता गलती से फ़्लाइट में मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ या फिर कुछ भी हो जाए, और मैं नहीं चाहती कि यू नो मेरे घर वाले सर्वाइव करें. अभी घर के तरफ लाइक तरफ ये वायरस बिल्कुल भी नहीं है, सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी. दैट्स वाई मैंने जाने का डिसीजन नहीं लिया. मैंने यही रहने का डिसीजन लिया जो कि मेरे लिए भी सेफ है, मेरी फैमिली के लिए भी. 14 तक आपको घर में रहना है, देन आई रियलाइज यार इतने टाइम तक इस सिचुएशन में रहना, वैसे मैं घर से दूर ही रहती हूँ बट इस सिचुएशन में रहना थोड़ा इम्पॉसिबल है. ऑफ कोर्स ऐसे टाइम में लगता है कि मम्मी पापा के साथ हो, फैमिली के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा होता, बट आई होप कि सब जल्दी से ठीक हो जाए एंड सब अपने अपने घरों पे सेफ रहें. प्लीज़ अपना ख्याल रखें एंड घर पे रहें, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले. आज का वीडियो होने वाला है ऑफिस वेयर कॉटन कुर्ती, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है ऑफिस वेयर कॉटन कुर्तीज़ की. एंड बजट हॉल है अंडर 500 रुपीज़ की. मैंने ये कुर्तीज़ ली है जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाई है. ये कुर्तीज़ मुझे 21st को ही रिसीव हो गई थी. लाइक 1 वीक पहले मैंने ऑर्डर करी थी बट मुझे 3-4 दिन बाद डिलीवरी हुई. एंड मेरे ऑनलाइन जितने भी पैकेट्स आ रहे थे मैं उनको पहले 24 घंटे धूप में रख रही थी. लाइक अगर मुझे पैकेट 21st को मिली है तो मैंने उसे 23rd तक धूप में ही रखा अच्छे से, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी. एंड थोड़ा आपको अलर्ट रहना इस टाइम पे बहुत जरूरी है. एंड आई सजेस्ट कि कोई भी चीज आप बाहर से मंगा रहे हो, लाइक कुछ भी, तो उसे पहले धूप में जरूर रखें या फिर सैनिटाइज करें और उसके बाद ही यूज करें. तो जो डेली यूज की चीजें होती है, लाइक डेयरी की चीजें, दूध वगैरह, सब्जी वगैरह, सो वो सब भी आप डायरेक्टली यूज नहीं करें. आई सजेस्ट कि प्लीज जो पॉसिबल चीजें हैं जो धूप में रखी जा सकती है, पैकेट्स वगैरह राशन की, उसको आप धूप में ही रखकर यूज करें. 12 घंटे के लिए आप धूप में छोड़ दें. इतने भी दूध के पैकेजेस वगैरह होते हैं तो मैं उसे भी डायरेक्टली यूज नहीं कर रही हूँ. मैं उसे पानी में, डिटर्जेंट में पहले साफ कर रही हूँ, देन यूज कर रही हूँ. एंड मैंने ये वीडियो देखी थी कि आप दूध को पहले डिटर्जेंट में वो करके आप यूज करो, तो किसी डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, तो मैं वो यूज कर रही हूँ. क्योंकि आप अगर बाहर नहीं जा रहे हो तब सेफ हो, बट घर के अंदर जो चीजें आ रही है माइट भी उसे थोड़ी सी चांसेस हो कि उसके साथ वायरस आ जाए या फिर कुछ भी है, तो रिस्क मत लीजिए, बहुत ही अलर्ट रहिए. एंड सो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने किया वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. ग्रोसरी की कोई भी चीज आ रही है मैं उसे पहले धूप में रख रही हूँ, एक्सेप्ट पनीर दही. एंड ये सब मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, देन ही मैं उसे फ्रिज में डाल रही हूँ. एंड इसके बाद मेरे कोई भी हॉल स्वीट नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब पैकेट मंगाना इज नॉट पॉसिबल, रिस्क लेके भी नहीं मंगा सकती हूँ. बट मैं आगे वीडियोज बनाऊंगी. मेरे सूज ज्वेलरी की बहुत रिक्वेस्ट आती है तो मैंने डिसाइड किया कि यही टाइम है सूज एंड ज्वेलरी हॉल बनाने का. लाइक एंड उसके अलावा अगर कोई भी रिक्वेस्ट आपके पास है तो आप कमेंट में मुझे जरूर से बताना, मैं उस हॉल को जरूर बनाऊंगी. एंड जितने भी रिक्वेस्ट मुझे आई है जीन्स हॉल एंड प्लाजो हॉल्स के लिए, सो आई एम सॉरी, जैसे सिचुएशन ठीक होगी मैं पक्का वो हॉल भी बनाऊंगी. क्योंकि 14th of April तक अब कोई पैकेट नहीं आ सकती है. सो जो भी वीडियो आपको देखनी है आप कमेंट में मुझे जरूर से बताना. सो बात करते हैं अब हॉल की. आज ऑफिस में कुर्तीज मैं आपको दिखाऊंगी जो मुझे अंडर 500 रुपीज की मिली है. एंड मैंने ये मंगाई थी जब मिंत्रा पे सेल चल रही थी. लाइक मैंने बोला मैंने 1 हफ्ते पहले मंगाई है. जब मैं कुर्ती दिखाऊंगी प्राइस में साइड में अटैच कर दूंगी तो आप देख लेना. माइट भी प्राइस थोड़ी अप एंड डाउन होती है, आपको पता है कि मिंत्रा की प्राइसेस की कोई गारंटी नहीं होती. तो विशलिस्ट में रखिए एंड जब आपको मिलेगी और जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी आप उसे जरूर खरीदे. सो जितनी भी कुर्तीज है उनमें से 4 कॉटन की कुर्तीज है, 2 रेयन की कुर्तीज है जो कि बहुत ही ऑसम है. जितनी भी कुर्तीज मैं आपको दिखाऊंगी मैं सबको रिकमेंड करूंगी, मुझे सब बहुत अच्छी लगी. एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इन द वीडियो. सो माई फर्स्ट कुर्ती इज दिस पिंक एंड व्हाइट कुर्ती एंड 2-पीस कुर्ती सेट है. ये कॉटन की कुर्ती है. ये कलर देखिए, ये बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस पिंक कलर है. लाइक इस कलर के लिपस्टिक मैं बहुत ज्यादा लगाती हूँ एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. सो इस कुर्ती के फ्रंट पे ऐसे डोरी आती है एंड
थीक वाटर स्लीव्स है और फॉइल प्रिंट है, बट बढ़िया वाला फॉइल प्रिंट है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं। मटेरियल कॉटन है, अंडर 500 रुपीज़ की है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है, और वो भी आपको 2 पीस मिल रही है। तो पहले मैं इसकी इनर वाली कुर्ती दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से राउंड नेक है एंड स्लीवलेस है ये, साइड से इसकी स्लेट नहीं है, लाइक थोड़ी सी राउंड फ्लेयर वाली है कुछ इस तरीके से, एंड सी थ्रू भी है लिटिल बिट, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है। मटेरियल काफ़ी अच्छी है एंड प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके साथ आती है ये ऊपर से जैकेट जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो कुछ इतनी लेंथ है इस जैकेट की और बैक से ये ऐसे दिखती है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी एंड इस पे मेरा साइज मीडियम है, और जितनी भी कुर्तीज मैं आपको दिखाऊंगी सब पे मेरा साइज मीडियम है, इन केस अगर मैं भूल जाऊं किसी पे बताना तो, एंड स्क्रीन के साइड पे आपको प्राइस वगैरह सब कुछ मेंशन मिल जाएगी। That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. Is this ये ब्लू अनारकली कुर्ता है एंड आप कलर देख सकते हैं, कलर बहुत ही बढ़िया है एंड प्रिंट्स बनी हुई इस पर, कोई भी फॉइल प्रिंट नहीं है, कपड़े के प्रिंट है। थ्री क्वार्टर स्लीव्स के साथ है ये, मैंड्रिन कॉलर है एंड फ्रंट पे ये बटन्स बने हुए जो कि ओपन होते हैं, कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइन है। अनारकली कुर्ता है ये और मटेरियल इसका कॉटन है, और नीचे को ये डिजाइन दी हुई है सेम जो आपको स्लीव्स के साइड में मिली हुई है, और बहुत ही लाइट सी थ्रू है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ऑसम मटेरियल है। फर्स्ट पिंक वाली कुर्ती से थोड़ी सी बेटर मटेरियल है ये एंड पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लुक दे रही है, और आप इसे एज अ ड्रेस भी यूज कर सकते हैं, बेल्ट लगाकर, ऑफिस के लिए परफेक्ट है, डेली यूज के लिए परफेक्ट है, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। कुछ इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है ये, मैंड्रिन कॉलर के साथ है, यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं जो कि फेक बटन से ओपन नहीं होंगे, एंड थ्री क्वार्टर स्लीव्स के साथ है, प्रिंट कुछ इस तरीके से है जो मैं आपको बहुत ही क्लोजअप में दिखा रही हूँ। सो नेकलाइन इसकी कुछ इस तरीके से है एंड नीचे तक ये पूरी जाती है प्रिंट सेम, और यहाँ पे आपको मिलती है ऐसी प्रिंट जो कि आपको लुकबुक में दिख जाएगी, एंड बैक के साइड इस पे डिफरेंट प्रिंट है पूरे नीचे तक सेम। सो इसका मटेरियल भी कॉटन है एंड मीडियम साइज है ये, एंड इस पे एक साइड पॉकेट भी है एंड साइड स्लिट के साथ ये कुर्ती है, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, कपड़ा जो है बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है एंड डेली यूज के लिए परफेक्ट है, ऑफिस के लिए तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, सो मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी। नेक्स्ट कुर्ती जो है वो फर्स्ट कुर्ती के सिमिलर पैटर्न की है एंड कुछ इस तरीके से है, 2 पीस कुर्ती सेट है ये, रस्ट एंड ब्लैक कलर की कुर्ती है ये, कुछ इस तरीके से प्रिंटेड डिजाइन है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी की है, डिजाइन आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा फाइन क्वालिटी की कुर्ती है ये, जो कि आपको कैमरे में भी बहुत अच्छे से नजर आ रही है, एंड यहाँ पे आपको एक डोरी मिलती है, अगेन ये आप कोटी उतार सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड ये स्लीवलेस कुर्ती आती है रस्ट कलर की, राउंड नेक के साथ है ये, अगेन थोड़ी सी फ्लेयर हेम है इसकी एंड
एंड मटेरियल इसका कॉटन है एंड इसमें भी मेरा साइज मीडियम है. सो ये कुर्ती का जो मटेरियल है काफी सॉफ्ट है, कॉटन है, काफी अच्छी है, बट थोड़ी सी सी थ्रू है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें. बट 500 रुपीज के प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ऑसम है. एंड इसकी जो जैकेट है वो कुछ इस तरीके से है. इतनी स्लीव्स है, 3/4 स्लीव्स है एंड इस तरीके से शॉर्ट जैकेट है ये. और बैक में भी आपको सेम प्रिंट मिल रही है. तो जैकेट का मटेरियल मैं कंपेयर करूँ कुर्ती के मटेरियल से तो काफ़ी बेटर है. वो थोड़ी सी लाइट कॉटन है बट ये बहुत अच्छी वाली कॉटन है, तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी. बहुत ही खूबसूरत कुर्ती है ये. मस्टर्ड कलर भी लाइक ग्रीनिश टच दे रही है, इस टाइप की कलर है. कलर बहुत ज्यादा ऑसम है एंड राउंड नेक के साथ एंड यहाँ पे ये प्रिंट्स बनी हुई है. 3/4 स्लीव्स है एंड क्वालिटी मैं दिखा दूं आपको जूम करके. सो क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है. तो यहाँ पे ये प्लीट्स बनी हुई है एंड फ्लेयर्ड कुर्ती है ये. बट बेस्ट पार्ट है कि आपको फ्लेयर्ड कुर्ती में साइड स्लिट मिल रही है. जितनी भी फ्लेयर्ड कुर्ती है उसमें साइड स्लिट जो मिलती है ना वो मुझे बहुत ऑसम लगती है. लाइक अगर इस पर आप जीन्स पहन लो एंड जब चलते हो तो वो बहुत अच्छे से नजर आती है. बैक पे भी सेम प्रिंट बनी हुई है एंड सेम डिजाइन है. लाइक फ्रंट एंड बैक दोनों सेम है और इसमें मेरा साइज मीडियम है. मटेरियल रेयन है, बहुत ही सुपर सॉफ्ट मटेरियल है. सो मैं इसे भी रेकमेंड करूंगी. एंड ये कुर्ती बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, तो इतना कोई टेंशन नहीं आ होगा इस पे आपको कैमिसोल और स्पेगेटी वेयर करनी पड़ेगी. नेक्स्ट एंड लास्ट कुर्ती जो मेरी है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल कुर्ती है एंड ब्लैक एंड रेड कलर की ये कुर्ती है कुछ इस तरीके से. एंड इसकी मैं डिजाइन आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीके से. इसकी प्रिंट्स बनी हुई है जो आप क्वालिटी में आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ कि क्वालिटी कितनी अच्छी है. अगर मैं 500 की बात करूँ तो लाइक 500 में इतनी सुपर फाइन क्वालिटी नहीं मिल पाती है. यहाँ पे आपको राउंड नेक आती है एंड ये कॉलर की जो डिजाइन है ये मैंडरिन कॉलर है. ये अटैच कुर्ती है, ये टू पीस सेट नहीं है. सो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया. अगर ये टू पीस सेट होता तो और भी ज्यादा अच्छी लगती, आप दो तरीके से यूज कर सकते थे. बट 500 रुपीज में मुझे नहीं लगता टू पीस सेट मिलती, बट इट्स ओके. 500 रुपीज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, लाइक बहुत सुपर फाइन. एंड यहाँ पे आती है ये डोरी जिसे आप ओपन करके भी वेयर कर सकते हैं. डोरी के साथ यहाँ पे एक हुक भी दी हुई है एंड इसे आप ओपन करके भी इस तरीके से यूज कर सकती है. एंड ये एज अ श्रग ड्रेस भी लगेगी और आप बांध कर वेयर करोगे तो कुर्ती ड्रेस भी लगेगी. तो मिंत्रा के पेज पे मेंशन है कि ये रेयन मटेरियल है बट ये एक्चुअल में कॉटन मटेरियल है. तो बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है. जिस तरीके से नीचे आप देखिए अटैच्ड है ये एंड इतनी इसकी फ्लेयर है जो कि आपको लुकबुक में अच्छे से समझ में आएगी. एंड बैक जो है बैक कुछ इस तरीके से है. सो फ्रंट वाली जो मटेरियल है थोड़ी सी सी थ्रू है बट बहुत इजीली मैनेज आप कर सकते हो, इतनी ही है. एंड मैं इसे 100% रिकमेंड करूंगी. प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सुपर फाइन है, बहुत ऑसम है एंड अगेन ऑफिस के लिए परफेक्ट है, गर्मियों के लिए बहुत परफेक्ट है. Don't want you.
आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक कर दे इस वीडियो को, एंड कमेंट में जरूर से बताना कि कौन सी कुर्ती अच्छी लगी।